मानसून का लुत्फ उठाने के चक्कर में गुरुवार को अंबाजरी तालाब और फुटाला की चौपाटी पर युवा जोड़ों ने काफी तमाशा किया। दोपहर बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 6 युवतियों और 20 युवकों के खिलाफ मामला किया दर्ज। विशेष औषधि देने के बाद भी कोविड 19 के मरीजों की सुधरने की गारंटी नहीं दी जा सकती। अभी भी विविध औषधि प्रतिबंधक टीका और थेरेपी को लेकर शोध जारी है। इस बीच अधिकांश मरीज उन पर किए जा रहे इलाज पर भरोसा किए बिना व्हाट्सएप, सोशल मीडिया अथवा इंटरनेट की जानकारी के आधार पर विशेष औषधि देने के लिए डॉक्टरों को परेशान कर रहे हैं। राज्य शिक्षा मंडल के नागपुर विभागीय कार्यालय के अधिकारी संभाग के कक्षा 12वीं परीक्षा परिणाम में इजाफा होने को लेकर बेहद खुश है, लेकिन विद्यार्थी बेहद निराश कि उनकी निराशा का कारण उनके प्रतिशत अंकों में गिरावट आना है। विद्यार्थियों को डर सता रहा है कि उन्हें अच्छे कॉलेजों में दाखिला मिलेगा या नहीं। सिटी में रोजाना ही अब बारिश हो रही है। गुरुवार को भी बादल बरसे लेकिन कुछ ही इलाकों में मेहरबान रहे। पूर्व मध्य नागपुर में दोपहर करीब 1 बजे के बाद धुआंधार बारिश हुई तो दक्षिण नागपुर में बूंदाबांदी तक नहीं हुई। सकरदरा के गवंडीपुरा परिसर में पार्किंग को लेकर हुए मामूली विवाद में पूर्व पार्षद अनिल वाघमारे और उसके परिवार ने 2 युवकों के साथ जमकर मारपीट की। पीड़ित युवक के परिवार के साथ भी मारपीट की। पुलिस ने गवंडीपुरा ओल्ड सकरदरा निवासी अंकुश नारायण खाड़े की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। ऑरेंज सिटी में एक और जहां कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं वही दूसरी ओर मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। गुरुवार तक 42 लोगों की जान कोरोना वायरस ने ले ली। अकोला, अमरावती सहित मध्य प्रदेश से आने वाले मरीजों का अब सिलसिला जारी है, इसी वजह से भी आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इस बीच गुरुवार को अमरावती से रेफर किए गए 60 वर्षीय मरीज की मेडिकल में मौत हो गई। वही 78 नए मरीज मिलने से साथ ही कोरोना पीड़ितों की संख्या अब 2,649 हो गई है। धनतोली थाना अंतर्गत तकिया परिसर में एक युवक ने फांस लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक प्रीतम रामेश्वर आत्राम बताया गया है। प्रीतम धोबी घाट पर कपड़े धोने का काम करता था। बुधवार की शाम उसने तकिया परिसर स्थित बिरसा मुंडा समाज भवन में लोहे के ग्रिल से ओढ़नी बांधकर फांसी लगा ली। खुद को राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता बताने वाले साहिल सैयद पर धोखाधड़ी और भी मामले दर्ज हो सकते हैं। बताया जाता है कि वह अलग अलग नामों से जमीन खरीद के सौदे करता था। विवाद खड़ा कर या तो संपत्ति हथिया लेता था या अपने ही पंटरों के जरिए सस्ते दाम पे रजिस्ट्री करवा लेता था। जांच में पुलिस के पास कुछ सनसनीखेज सबूत हाथ लगे हैं। ज्ञात हो कि बुधवार को पुलिस ने 2 दस्तों ने साहिल सैयद और नीलिमा जायसवाल के घर छापेमारी की थी। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से घोषित 12वीं के परिणामों में मनपा उच्च माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की ओर से भी भारी सफलता हासिल की गई। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 26% अधिक परिणाम प्राप्त हुए। यहां तक कि तीनों इकाइयों को मिलकर परिणामों का प्रतिशत 88.8 रहा है। अन्न व औषधि प्रशासन विभाग ने खाली डिब्बों में तेल भरकर ब्रांडेड कंपनियों के नाम से बिक्री करने का खुलासा किया। इतवारी नेहरू पुतला तेलीपुरा में शंकर ट्रेडिंग कंपनी की शिकायत मिली थी। विभाग ने गुरुवार को छापा मारकर 2,51,966 रुपए के 1700 लीटर तेल जब्त किया है। साथ ही 2 नमूनों की जांच के लिए भी भेज दिए गए हैं। आरोप है कि व्यवसायी विभिन्न कंपनियों का स्टिकर चिपका कर धोखाधड़ी कर रहा था।